लाल किताब तो आपको इस तरह से बता सकती है कि आपकी कुंडली आपके पड़ोसी के क्या हाल है। अच्छा लाल किताब के अकॉर्डिंग। यस, एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे और डेफिनेटली इस पे कमेंट भी लोग करेंगे। किसी का राहु लगन में हो, उसके घर के सामने वाला घर बर्बाद होगा, या तो उसके घर के सामने घर होगा नहीं, प्लॉट होगा, या कोई उजाड़ सा प्लाट पड़ा होगा, या कोई पार्क होगा। अच्छा ठीक है, केतु किसी के थर्ड हाउस में हो, घर के आजू बाजू वाला घर बर्बाद होगा। ठीक है, और केतु और शनि किसी के थर्ड हाउस में हो, तो घर से तीसरा घर खराब होगा, अच्छा घर से तीसरे घर के हालात खराब होंगे। और इसी तरह से कंजेक्शन आता है कि सेवंथ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हो, अच्छा तो घर के पीछे वाला घर बर्बाद होगा। अच्छा तो ये क्या हमारी कुंडली का असर किसी और पे पड़ रहा है? यस, हर जगह से रिलेट तो है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। दोष नहीं है, हाँ पर पड़ेगा इफेक्ट। अच्छा मतलब ये सिंक्टम है, मैंने कहा ना लाल किताब सूत्रों पे चलती है। जी तो आपका वो चीज खराब हो रहा है ना, तो आपके घर के पीछे वाला घर खराब हो रहा है 7-12 की कंडीशन में। जी केतु राहु लगन में है ना, तो आप देखना या तो उसके घर के सामने कोई घर होगा ही नहीं, अच्छा उजाड़ ही मिलेगा। भाई किस्मत ज्यादा ही अच्छी है, किसी का घर खराब नहीं होना तो उसके घर के सामने घर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, केतु थर्ड हाउस में तो हो सकता है दोनों साइड घर ही ना हो। सर, लाल किताब में कॉन्सेप्ट आता है मसनू करके, जी ये क्या है? दो ग्रहों का कंजक्शन की ही इसमें बात होती जी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मशनूई ग्रह क्या होता है? दो ग्रहों का मिलकर एक बनावटी ग्रह। जी मशनूई का मतलब है बनावटी ग्रह, अच्छा और इसका वायावर्षीय रिजल्ट भी आता है। अच्छा जैसे ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। जैसे एग्जाम्पल आपकी कुंडली में मंगल बैठा है थर्ड हाउस में, और सूर्य और बुध बैठा है थर्ड 11th हाउस में। अच्छा ठीक है, तो सूर्य और बुध मिलकर एक तरह से मंगल का रूप ले लेता है। अच्छा ठीक है, तो मंगल का असर 11th हाउस में भी आ रहा है, और सूर्य और बुध का रिजल्ट असर थर्ड हाउस में भी आ रहा है। तो अच्छा ये वायावर्षीय एक दूसरे के घर में काम भी कर रहे हैं, इसे मशनोई ग्रह बोला जाता है। तो जिस तरह से मैं बोलता हूँ शुक्र और शनि लैला मजनू, जी और ये दोनों मिलकर केतु उच्च भी बनते हैं। अच्छा ठीक है, चंद्र शनि केतु नीच बनते हैं, जिसे परेशानी ही क्रिएट करते हैं क्या हमेशा ये? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा परेशानी क्रिएट करते हैं, कई जगह फायदा भी देते हैं। अच्छा ये तो एक भ्रम बना हुआ है कि मशनोई ग्रह कोई आपको परेशानी क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा ओके वो डिपेंड करता है किस तरह के योग बनवाने हैं, क्योंकि लाल किताब का ही कंसेप्ट है ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं। अब ये तो है नहीं कि ग्रह उठाएंगे, लो जी उठाया हाँ और इधर रख गया पहुंच गया, ऐसे नहीं होता। किसी भी ग्रह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लगभग 43 दिन लगते हैं, और ये कुंडली को प्रिडिक्ट कराकर योग बनवाकर तब पहुंचाया जाता है। उसका रीजन क्या है कि आपने ग्रह तो पहुंचा दिया, पता लगा कि वहां पहुंचाने से और चीजें खराब हो रही है, चार चीजें। तो ये सारी चीजें हमें देख के प्रॉपर इसके योग बनाकर पूरी कुंडली को प्रिडिक्ट करते हुए तब इसको करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपने जैसे केतु ग्रह की बात करी थी, तो आपने कहा था इंशिका की जो काले कलर के आपने टॉप्स पहने, ये नहीं पहने। अब मेरा इसी से रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन और है आपसे। मेरे हाथ में भी काला धागा आप देख ही रहे होंगे, जी हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है मेरी ही देखी कि होगी इसलिए मेरा सवाल सीधा डायरेक्ट ही है, चलिए डायरेक्ट यही कर लेते। बिल्कुल आप बिल्कुल ही की वीडियो एक्चुअल में मैंने देखी बिल्कुल है, जी काला धागा क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं, कुछ बिल्कुल। होते हैं कि नजर ना लगे बट कुछ शौक के लिए पहनते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी थ्योरी में एक ही चीज बताना चाहूंगा। जी अभी मैं आपसे बात कर रहा था ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं, जी तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। ग्रह को थर्ड हाउस, मतलब ये जो कलाई है ना हमारी कुंडली का थर्ड हाउस अच्छा है। ठीक है, जब थर्ड हाउस में शनि पहुंचता है, तो शनि किसी भी एस्ट्रोलॉजी का थ्योरी में हो, तो थर्ड हाउस में शनि ना हमारे काम को बल को कम करता है, बाधित अच्छा करता है, ठीक है क्योंकि वो पराक्रम का हाउस है। और कहते हैं कि शनि के घर मंगल बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल प्रबल होगा, पर मंगल के घर में शनि आ गया तो उसके पराक्रम को गिराएगा, उसकी इनकम को गिराएगा। ओके राइट,
क्योंकि मंगल दुश्मनी रखता है शनि से, शनि दुश्मनी नहीं रखता मंगल से। जी तो अब ये थर्ड हाउस काला रंग किसका है? शनि शनि का। तो थर्ड हाउस में शनि पहुंच गया। जी जब थर्ड हाउस में शनि पहुंच जाएगा तो वो आपके पराक्रम को डाउन कर रहा है ना कि अच्छा बढ़ा रहा है, ओके। इससे नजर लग नहीं रही। और हम्म। कभी भी देखना किसी की कुंडली में शनि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक की चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखते। अच्छा चाची और ताई। चाची या ताई अच्छा जी कभी भी देखना, लगा के देख लेना। सबके लिए होता है? हाँ जी सबके लिए, किसी का शनि थर्ड हाउस में हो। अब जिसने पहन रखा है उसने तो जबरदस्ती पहुंचा ही लिया ना। समझ रहे? ताना पड़ेगा ही तो। मैं आपको बता रहा हूँ, उसने तो पहुंचा ही लिया जी। ना। हाँ। अच्छा आप देख रहे हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई स्टोन देख रहे हैं मेरे हाथ में? एक देख रहे जी, एक अंगूठी है बड़ी हाँ। वाली। कोई आप मेरे गले में चेहरे पर कोई ऐसा कि स्टोन जैसा कुछ हो? नहीं, नहीं गोल्ड ही ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर है ना। पुराने जमाने में भी राजा महाराजा ज्यादातर क्या करते थे? गोल्ड सिल्वर ही बिल्कुल पहनते। जी। गोल्ड और सिल्वर में इतनी जान है कि वो बहुत सारी चीजों को ठीक करता है, क्योंकि गोल्ड रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को हाँ और चांदी रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को। चंद्रमा को ठीक है, तो हाँ। गोल्ड और सिल्वर से काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं। स्टोन ये भी एक पहना हुआ है, ये भी इसका भी लॉजिक कभी एक पॉडकास्ट में बताऊंगा मैं आपको। इसी में ही बात हाँ करते इसी में बता हैं। दीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा मैं कोई स्टोन नहीं पहनता हूँ, ना मैं स्टोन रिकमेंड करता हूँ। ओके ठीक है, ना ही मैं कोई बड़ी पूजा पाठ रिकमेंड करता हूँ। उसके पीछे भी मेरा एक मेरी खुद की भावना है, मतलब खुद का एक ऐसा दिमाग है कि एक चीज बताओ, बीमार आप हो दवाई मैं खाऊं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब कई बार कि हमसे इतने लाख का ये जो है आप जाप कराएं तब जाके जो है आपका ये ठीक होगा, बिल्कुल होता है। महामृत्युंजय जाप कह देते जी हैं कई जी बार। जी इंसान खुद करे तो उसका फल ज्यादा होगा। उस केस में जब व्यक्ति बेड पर है उसकी हिम्मत नहीं है तब उसका कोई ब्लड रिलेटिव कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ओके ठीक है, तब मजबूरी है, अदरवाइज खुद करे इंसान तब रिजल्ट अच्छे आते हैं। और आजकल कौन सा मंत्र किस टाइम पर कैसे करना चाहिए इसके भी नियम है। अच्छा जैसे कोई भी मंत्र करते हैं, अब एक बात बताओ, आज आपको आप मेरे पास आए, मैंने कहा जाओ जी ये मंत्र कर लो, आप तो खा के आए हो चिकन या पी के आए हो दारू और उसके बाद मंत्र कर रहे हो, क्या होगा? नहीं काम करेगा, विपरीत फल भी दे सकता है विपरीत ना। फल देंगे। तो हर चीज का लॉजिक और नियम है, जी तो कब कौन से मंत्र को करना है कैसे करना है उसके नियम क्या है ये भी जान लेने बहुत जरूरी है।